आपने लॉस कहना है? मैं नहीं देखूं। आप नहीं देखो कोई? आपने लॉस कहना है? मैं नहीं देखूं। आप नहीं देखो कोई? आपका नाम क्या है? नाम तो बता दो। आप अभी तक बता रही थी, आप अभी तक बता रही। मैं बात नहीं करता हूँ। आप कुछ भी करोगे ना, मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, हेडेक ज्यादा है, उसको चेक करो। बीपी मत है आपका, राइट है। किस पेशेंट को देखोगी और किसको नहीं देखोगी? मतलब ये किससे यहाँ पर लिखा है एलडी में किसी डॉक्टर को? आपका राइट है, उसके बगैर नहीं देखोगी। तो ये वीडियो जो आप देख रहे थे, इस वीडियो में आपने साफ देखा होगा कि डॉक्टर द्वारा पेशेंट को देखने के लिए मना कर दिया गया है, और जो पेशेंट के साथी हैं, जो अटेंडेंट है, जब वो डॉक्टर से कह रहे हैं कि आप आइए, हमारे जो पेशेंट हैं उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप आकर चेक करिए, तो डॉक्टर कहती है कि मेरी मर्ज़ी है मैं किसे देखूं और किसे ना देखूं। ये वीडियो कश्मीर के एलडी हॉस्पिटल, वहाँ का बताया जा रहा है, और वहाँ के जो अटेंडेंट है, जब वो डॉक्टर के पास आते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पेशेंट की जो तबीयत है वो नासाज़ हो रही है, बिगड़ रही है, आप आकर उन्हें चेक करिए, उन्हें देखिए, लेकिन डॉक्टर जो है वो साफ तौर पर मना कर देते हैं। ये वीडियो भी उसी अटेंडेंट द्वारा बनाया गया है, और अटेंडेंट जिस तरह से उस डॉक्टर के पास जाता है, उसके बाद जैसे वो वीडियो यानी कि वीडियो कैमरा लेकर उस डॉक्टर के पास जाता है, और आप सामने देख भी रहे हैं कि डॉक्टर उसे रिफ्यूज़ भी कर रहा है, और उसके बाद वो कह रहा है कि आरएमओ के पास मैं जाऊंगी और आरएमओ के पास ही आप जाकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो अटेंडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। जिस तरह से वीडियो सामने आई, वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, और अब ये बताया जा रहा है कि इसको देखते हुए जो एलडी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने इंक्वायरी भी बैठा दी है, और ये कहा जा रहा है कि 3 मेंबर की कमेटी बना दी गई है जो इसकी पूरी जांच करेगी, और क्या इस वीडियो के पीछे की सच्चाई है वो सामने लाई जाएगी, और क्या कुछ निकल के आता है, क्या इसकी सच्चाई है, उसके बाद ही आगे का एक्शन जो है वो लिया जाएगा, क्या इसमें डॉक्टर गलत है। लेकिन वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अटेंडेंट जो है वो कह रहे हैं, और शुरुआत में ही डॉक्टर ने यह कह दिया कि मैं नहीं देखूंगी, मेरी मर्जी है कि मैं किसे देखूं और किसे ना देखूं। मैं तारा सब तू और मार क्या तुझे नहीं होना बुहिम तू तेरी बिजली की अगर उस बार पार्टी कर। आप कुछ भी करोगे ना, मैं नहीं आऊं। क्यों नहीं आएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, हेडेक ज्यादा है, उसको चेक करो। बीपी मत है मेरा राइट है, मैं किस पेशेंट को देखूं? आपका राइट है, किस पेशेंट को देखोगी और किसको नहीं देखोगी? मतलब ये किससे यहाँ पर लिखा है एलडी में किसी डॉक्टर को? आपका राइट है, उसके बगैर नहीं देखोगी? तो ये आपने लॉस कहना है? मैं नहीं देखूं। आप नहीं देखोगी? आपका नाम क्या है? नाम तो बता दो। आप अभी तक बता रही थी, आप अभी तक बता रही। मैं बात नहीं करता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ। आप आरएमओ के पास जाओ, अभी मुझे बताया जाओ कि आरएमओ को बता दो, आप जा सकती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं है। आप क्या, मैं भी तो साथ चलूं आरएमओ के पास, मैं भी देखूँ ये आरएमओ कहाँ से होता है, और आपका राइट क्या बनता है आज पेशेंट को न देखने का? आपने ये साफ बता दिया कि मैं नहीं देखूंगी पेशेंट को, आपका राइट है, चलो दिखा दो मुझे आरएमओ के पास, मैं भी देखना चाहता हूँ आरएमओ क्या बताते हैं आपको। डॉक्टर के कितने राइट से न देखने की पेशेंट को? आपके आरएमओ ने कैसे आपको ये राइट दिया पेशेंट को न देखने की? आपकी मर्जी होती है, पेशेंट को कुछ भी हो जाए आपने बताया मैं नहीं जाऊंगी। चलिए नहीं, मैं बंद नहीं करता हूँ, किस लिए मैं बंद करूंगी? आप तो अभी तक इतना बता रही थी जाओ दफा जाओ बाहर में जाओ, अब आरएमओ को जाओ, अब मैं जाऊंगी? मैं भी तो चल रहा हूं, आपको राइट है, आपने ये भी बता दिया मैं नहीं जाऊंगी, हमारा राइट है ये, कोई बात नहीं, आप कुछ भी बता दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, क्या बात है? एक मिनट, चलो बता दो, बताइए। नहीं मैम, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैंने बदतमीजी की? सब कुछ दिखाई देगा, खुद दिखाई देगा। मैम मैम, मैंने इनसे बता दिया मेरा पेशेंट है, उनको हाई बीपी है या कुछ है, ये बता रहे हैं कि ये कि आप नहीं। हाँ मैं बाहर निकलूँ? मैं बाहर निकलूँ सिक्योरिटी के लिए? कोई बात नहीं, बुला लो, मैं इधर ही हूँ। आपने डॉक्टर साहब आरएमओ ने बता दिया कि मैं, हमें राइट है किस पेशेंट को देखे या किसको नहीं देखे, और हम आपकी पेशेंट को नहीं देखे। बात यहाँ कोई भी हो, लेकिन कोई भी अपने फर्ज से ये कहकर नहीं मुकर सकता कि मेरी मर्जी मैं किसे देखूं किसे ना देखूं, क्योंकि हॉस्पिटल में आने वाला पहले ही परेशान होता है, और अगर वहाँ इस तरह से डॉक्टर्स द्वारा बिहेव किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस हालात में पेशेंट और उनके साथ आए लोगों का क्या हाल होगा। आप जनता इस पर क्या विचार रखती हैं ज़रूर बताएं।